12 साल से लगातार हम लोग ऑल इंडिया बैंड कॉम्पिटिशन में प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, जिसमें से 12 बार ये बैग पाइप बैंड CRPF का टीम का 12 बार गोल्ड मेडल रहा है और 3 बार जो है सिल्वर मेडल रहा है। म्यूज़िक एक्चुअल जो म्यूज़िक जो है फौज को ज़रूरत बहुत है। वो कारण क्या है कि हमारी परेड्स में जो हमारे ट्रूप जो चलते हैं उसके बॉडी को पावर देने के लिए म्यूज़िक की बहुत ज़रूरत है, मार्शल म्यूज़िक बहुत ज़रूरत है। जब तक वो मार्शल म्यूज़िक उनके कान में नहीं आएगा तो उनके बॉडी में वो जोश नहीं आएगा। वो ऐसा है कि वेस्टर्न क्लासिकल समझना बहुत ज़रूरी है। विदाउट वेस्टर्न क्लासिकल नोटेशन के बगैर आप मिलिट्री बैंड में आप उस इस्तेमाल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको वेस्टर्न क्लासिकल के नोटेशन नहीं आएंगे तब तक आप इंडियंस की कंपोजिशन को भी नहीं बजा पाएंगे, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट जो है ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट है, ये लाइक सितार या दूसरी चीज़ें नहीं है। सितार वगैरह में जितना भी है, तानपुरा में हो गया, सितार हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं इनमें सारे गामा पादा नीसा चलता है। बट ये वेस्टर्न जो इंस्ट्रूमेंट है लाइक कॉर्नेट हो गया, क्लैनेट हो गया, सेक्सफोन हो गया, ये जितने भी बेस, इफूनियम, ट्रम्बोन्स, इनमें ये चीज़ें नहीं चलेंगी जब तक आपने वेस्टर्न नोटेशन नहीं सीखा होगा। वेस्टर्न नोटेशन सीखने के बाद उसका डिवाइड कैसे है, उसको कैसे बजाना है, उसका क्या रेंज है, वो जब तक आप CRPF का बैंड जो है वेस्टर्न क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल, फ्यूजन, सब बॉलीवुड और दूसरी बात काफी गोल्ड मेडल की तो बात तो बहुत दूर है, गोल्ड मेडल।